आराध्य देव के चरण में वंदन, आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज से हम प्रतिक्रमण याद करने के लिए, हम प्रतिक्रमण का जो उच्चारण है वो कैसे करना है, उसका मीनिंग क्या है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम प्रतिक्रमण जो पाटी है, नवकार मंत्र तिक्कुत तो आपको सबको आता ही है, इसलिए हम तीसरी पाटी इरिया पथिक सूत्र इसको हम आज प्रारंभ करेंगे। तो पहले मैं उच्चारण करूंगी, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को मैं तीन तीन बार बोलूंगी, आप भी मन में साथ में बोल सकते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अपन करेंगे मीनिंग इसका। तो पूरी पार्टी में आपको दिखाती हूँ। इच्छामि, च और छ है इसलिए हमें जोर लगाना है। इच्छामि इच्छामि परिक्रम्यम्, आप भी साथ में उच्चारण करेंगे, परिक्रम्यम् परिक्रम्यम् इरिया वहियाए इरिया वहियाए इरिया वहियाए वीराहनाए 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 गमना गमणे गमना गमणे गमना गमणे पाणक कमणे पाणक कमणे बीयक कमणे बीयक कमणे बीयक कमणे हरियक कमणे हरियक कमणे ओसा ओसा उत्तिंग पाणग उत्तिंग पाणग, डबलता है जोर लगेगा, उत्तिंग पाणग, दो शब्द है, उत्तिंग पाणग उत्तिंग पणग, दग मट्टी मकड़ा दग मट्टी मकड़ा दग मट्टी मकड़ा संताना 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 संकमणि 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 जे मे जीवा जे मे जीवा, जी बड़ा है तो हमें बड़ा करके बोलना है, जे मे जीवा जे मे जीवा विराहिया 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 एगिंदिया 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 बे इंदिया बे इंदिया बे इंदिया ते इंदिया ते इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया 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 पंचिंदिया 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 अभिहया 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 वत्तिया 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 लेसिया 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 संघा इया संघा इया संघा इया संगट्टिया 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 संगट्टिया, टी डबल है इसलिए संगट्टिया जोर लगा के बोलना है। परियाविया 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 किलामिया 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 उद्दविया 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 ठाणाओ 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 ठाणम संकामिया ठाणम संकामिया ठाणम संकामिया जीवियाओ 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 मवरोविया 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 तस्स डबल स है तस्स तस्स मिच्छामि मिच्छामि च और छ है इसलिए जोर लगेगा मिच्छामि मिच्छामि दुक्कड़म डबल क है जोर लगेगा दुक्कड़म दुक्कड़म दुक्कड़म। अभी हमने उच्चारण किया, अब हम इसका एक एक का मीनिंग समझेंगे।
इच्छामि, इच्छामि का मतलब है मैं इच्छा करती हूँ, करता हूँ। किसकी इच्छा करती हूँ? परिकम्युम, निवृत्त होने की, बचने की। मतलब अभी तक मैं संसार के काम में बिजी थी, अब मैं उससे निवृत्त हो रही हूँ, दूर हो रही हूँ, बच रही हूँ। तो परिकम्युम, निवृत्त होने की, बचने की। इरिया वही आए का मतलब है मार्ग पर चलने आदि से होने वाली। इरिया का मतलब है देखना होता है, पथिक यानी मार्ग होता है। तो मार्ग पर चलने आदि से होने वाली क्या होती है? विराहनाएं। विराहनाएं का मतलब विराधनाशी। हम मार्ग में चल रहे हैं, सपोज हम सेंटर पे आ रहे हैं, तो सेंटर पर आते समय रास्ते में कई प्रकार के जीव होते हैं, कई चीजें होती हैं, कभी गेहूं बाजरे के दाने भी पड़े होते हैं, कभी वनस्पति भी होती है। यहाँ तो अमेरिका में तो नहीं होती है, लेकिन इंडिया में आप जाएंगे तो मार्केट में आप कितनी कितनी चीजें रास्ते में मिलती है। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े भी घूमते रहते हैं, बाजरे गेहूं के दाने भी गिरे हुए होते हैं, वनस्पति के जो सब्जी होती है वो भी गिरी हुई होती है। तो कई प्रकार की आने जाने में वहां विराधना हो सकती है। यहाँ तो रोड क्लीन है तो यहाँ नहीं होती होगी इतनी, फिर भी कभी कभी यहाँ पर भी बड़े जीव, कभी कभी मेंढक आदि कई बार प्रायश्चित भी लेते हैं सुनीता जी, या मेरे पैर से, मेरी गाड़ी से अमुक जीव की हिंसा हो गई। तो यहाँ पर भी गाड़ी से आप आते हैं जाते हैं तो किसी भी जीव की हिंसा हो सकती है, क्योंकि तो चलने से तो हमें दिखती है लेकिन गाड़ी से हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि विराहना, विराधनाशी। गमनागमने, गमन यानी जाना, आगमन आना, जाने आने में। पाणक्कमने, किसी प्राणी को दबाकर, यानी आप जा रहे हैं रास्ते में आपके पैर से कोई जीव दब गया, आपने दबाया जानबूझ करके नहीं है, लेकिन दब गया यानी आपने उसके ऊपर लांग दिया। पैर भी कभी कभी लांग देते हैं उसके ऊपर से, या दबा देते हैं, दब जाता है कभी। तो पाणक्कमने, किसी प्राणी को, पाण यानी प्राणी को, कमने का मतलब है दबाकर, किसी प्राणी को दबाकर। बीजकमने, बीज को दबाकर, जो बीज होते सीड्स होते हैं उनको दबाकर। हरियकमणि, तो आप देख रहे हैं हरियाली यहाँ पे, तो वनस्पति को दबाकर। ओसा यानी ओस, जो सुबह सुबह आप देखते हैं जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर जो व्हाइट व्हाइट की आपको ड्रॉप दिखाई दे रही है, तो सुबह सुबह के समय व्हाइट व्हाइट पानी की बूंदे उसके ऊपर होती है, तो वो होती है ओस। तो ओस में भी जीव होते हैं। उत्तिंग, उत्तिंग का मतलब ये गलत है, चींटी होती है ना, किटी, चींटियों का बिल। उत्तिंग का मतलब चींटियों का बिल। पणक का मतलब पांच वर्ण की काई, आप देख रहे हैं लीलन फुलर जो होती है वो पांच प्रकार की होती है, येलो कलर की भी होती है, ग्रीन भी होती है, ब्लू भी होती है, रेड भी होती है, तो पांच प्रकार की काई। दग यानी पानी, मट्टी यानी मिट्टी, ये जो मिट्टी देख रहे हैं आप। मकड़ा संताना, मकड़ा यानी मकड़ी का जो जाला, स्पाइडर्स होता है उसका जो जाला, संताना का मतलब जाला, मकड़ा यानी मकड़ी, स्पाइडर्स। संक्रमणी, आक्रमण हुआ हो, जैसे आप कोई सफाई कर रहे हैं, कभी कभी मकड़ी का जाला होता है वो झाड़ू से वो निकल जाता है, तो उसको कोई कष्ट हुआ हो तो संक्रमण यानी आक्रमण हुआ हो। जे में जीवा, जो मेरे से, जीवा यानी जीवों की, विराहिया विराधना हुई हो। जे में जीवा, जो मेरे से जीवों की, विराहिया विराधना हुई हो। कौन कौन सी जीवों की विराधना हुई हो? एगिंद्रिया, एगिंद्रिया का मतलब है एक एक इंद्री, जिसको वन सेंस है, एक इंद्री वाले जीवों की, जैसे फायर है, वाटर है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, पांच स्थावर, उनके एक इंद्री होती, वन सेंस होती है, उनकी विराधना हुई हो। पे इंद्रिया, दो इंद्री वाले, आप देख रहे हैं शंख है, लट है, दो इंद्री वाले जी, इनकी विराधना हुई हो। ते इंद्रिया, तीन इंद्री वाले, जैसे मकोड़े, चींटी, वो तीन इंद्री वाले होते, तो जिसके थ्री सेंसेस होती उन जीवों की मेरे से विराधना हुई हो। चौरिंदिया, चार इंद्री वाले,
जैसे मक्खी मच्छर होते हैं वो 4 इंद्रिय होती है, 4 सेंस होती है, तो 4 इंद्रिय वाले जीवों की विराधना हुई हो। पंचेंद्रिया 5 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले जीव कौन से होते हैं? मनुष्य गति के भी होते हैं, देव गति के भी होते हैं, नरक गति के भी होते हैं, तिरंज गति के भी होते हैं, किसी भी जीव की विराधना हुई हो। अभिहया सम्मुख आने से चोट पहुंचाई हो, कोई जीव सामने आ रहा है उनको हमने क्या किया, चोट पहुंचाई। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये अपने हाथ में डंडा लेकर के उसको भगा रहा है बिल्ली को, तो जो सामने आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, डंडा लेकर के उसको मारते हैं। सम्मुख यानी सामने आने आते हुए को हमने चोट पहुंचाई है। बत्तिया का मतलब धूल आदि से ढकी हो, बत्तिया मतलब जैसे धूल से ढक दिया, कोई जीव देखा आपने उसके ऊपर धूल डाल दी। लेस या भूमि पर मसली हो, आप देख रहे हैं जूते से जीव को मसल रहा है, तो लेस यानी भूमि पर मसले हो। संघाया, संघाया का मतलब इकट्ठे किए हो, मैंने कई सारे जीव थे आपने क्या कर दिया उसको इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा एकत्रित कर दिया। संगतिया उसको छुआ हो यानी उसको टच किया हो। परियाविया कष्ट पहुंचाया हो, इकट्ठा कर दिया फिर उसको उसका स्पर्श किया छुआ और उसके बाद आपने उसको कष्ट पहुंचाया यानी उसको मारा पीटा कुछ भी किया आपने अपने हाथ से, जैसे देखो हाथ में लेकर के उसको दबा रहा है। किलामिया मृत तुल्य किए हो, आपने पूरा मारा नहीं लेकिन आपने ऐसे जैसे दो देख रहे हैं आप दोनों अंगूठे के बीच में मक्खी के मच्छर क्या है उसके हाथ में, उसको क्या करा एकदम ऐसे दबा दिया तो एकदम मरने जैसा हो गया बेचारा। उद्धव्या भयभीत किया हो, उसको डराया हो, जैसे कोई जीव है उसको आपने धमकाया डराया। ठाणाओ ठाणम संकामिया, ठाणाओ का मतलब एक स्थान से, ठाणम ने दूसरे स्थान में, संकामिया अयत्ना से रखे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान में आपने अयत्ना से रखे हो। ठाणाओ ने एक स्थान से, ठाणम ने दूसरे स्थान में, संकामिया का मतलब अयत्ना का मतलब है बिना बिना जागरूकता। एक तो हम माइंडफुलनेस के साथ हम काम करते, एक बिना आपका मन कहीं है शरीर कहीं है आप उन जीवों को हटा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे पर रख रहे हैं। आप जब भी किसी भी जीव को देखे घर में तो एकदम पूरी माइंडफुलनेस के साथ आपको धीरे से उन जीव को उठा करके, अगर आपको लगे कि मर जाएंगे रास्ते में है हमारे पैरों के बीच आ जाएगा, आप क्या करें उसको धीरे से उठा करके पेपर में लेकर के एक स्थान पर छोड़ दे, जिससे किसी भी जीव की हिंसा न हो और हमारा पैर भी उसके ऊपर ना आए। जीव याओ बहुरोगिया, जीव याओ का मतलब जीवन से, बहुरोगिया ने रहित किए हो यानी जो हमारा जीवन है मतलब जो चींटी मकोड़े जो भी है उनका जो जीवन है प्राण है उससे रहित किया हो। जैसे देखो आप देख रहे हैं ये स्पाइडर्स है, उसको क्या कर रहा है वो दवाई छांट रहा है, दवाई छांटेगा तो बेचारा मर जाएगा। तो कभी मान लो घर में जीव होते हैं तो उसके ऊपर दवाई न छिड़के, उसको पहले साइड में कर दे ताकि उसकी विराधना न हो, उसकी हिंसा न हो, वो मरे नहीं, क्योंकि तो हमारे में वो ताकत नहीं है वो शक्ति नहीं कि हम किसी में प्राण डाल दें, लेकिन किसी का प्राण तो हम न छीने। तो जीव या वो जीवन से बौरोयन रहित किए हो। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिस उसका, मिच्छामि माने मिथ्या हो, दुष्कृत दुष्कृत नहीं पाप, तस मैंने उसका, मिच्छामि मिच्छा यानी मिथ्या निष्फल, मी माने मेरे, दुक्कड़म ने दुष्कृत यानी पाप, मेरे पाप निष्फल हो माने जो भी मेरे से जाने आने में जो भी जीवों की हिंसा हुई एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों की जो भी मेरे से विराधना हुई हो वो उसका जो भी मेरे को पाप लगा हो वो मेरे सारे पाप क्या हो निष्फल हो, निष्फल हो यानी क्लीन हो, मेरी आत्मा उन पापों से क्लीन हो जाए ऐसी भावना की हुई। ये इरियापथिक सूत्र है, इसकी पाठी को हमने उच्चारण भी किया और उसका हमने मीनिंग भी समझा। अब हमें क्या करना है, इस पाठी को याद करना है, अगर आपको याद हो तो अभी सुना सकते हैं, अगर आपको याद नहीं हो तो कल सुनाएंगे। एक दिन हम क्या करेंगे उच्चारण करेंगे और उसके साथ जैसे हमारा टाइम अभी बच गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पार्टी को हम जिसको भी याद हो सुना सकते हैं। आप
हाथ रेंज करेंगे तो मैं आपको बोलूंगी हाँ आप सुनाए, कौन सुना सकता है अपना हाथ करें। हाँ तो गरिमा जी सुनाएंगे, चलिए। बंदा में कोई अशुद्धता हो तो आप शुद्ध करेंगे। इच्छामि पड़कमियों इरिया वैयाए विराहनाए गमणा गमणे पाणक कमणे बियक कमणे हरियक कमणे ओसा उतिंग पणग दगमट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया पर्याविया कीलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ ववरोविया तस्समिच्छामि दुक्कड़म। बहुत अच्छा बोला, बड़ा शुभ धन्यवाद। बोला, धन्यवाद आपको। प्रतिभा जी आप बोलिए। इच्छामि पड़ि कम्यूम इरिया वहियाए विराहनाए पढ़ी पड़ि कम कम्यूम यस इरिया वहियाए विराहनाए गमणा गमणे पाणक कमणे बियक कमणे हरियक कमणे ओसा उतिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जे में जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया पर्याविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ वव्रोविया तस्समिच्छामि दुक्कड़म। जीवियाओ, जी बड़ा ओ जीवियाओ अच्छा मवरोविया तस्स इच्छामि दुक्कड़म। हाँ ओके तैकुन जीवियाओ तैकुन यस, व्योम बोलेगा। व्योम सुनाएगा। हाँ बंदा भी व्योम को याद है। बोलो। अच्छा चलिए। हाँ तस्समिच्छामि दुक्कड़म, सुखवंत थे। हाँ तस्समिच्छामि दुक्कड़म। थोड़ा स्लो बोलने का, धीरे धीरे, पंचिंदिया धीरे चौरिंदिया बोलो ऐसे धीरे ठीक धीरे बोलेगा। ओके बहुत है, अच्छा इतना बोला। फास्ट नहीं हाँ धन्यवाद व्योम को, कल बोलो। दसुत्तरी सुनाएगा व्योम है ना। चलिए हाँ ओके, रमणी अब जी मैं दूसरा सुना कौन दूँ। आप? भारती। हाँ बोलो भारती। इच्छामि पटिक कमियम इरिया वहियाए विराहणाए गमणा गमणे पाणक कमणे बियक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणक दगमट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे मे जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया